कंपनी ऑडिट ऑब्लिक कंपनी का ऑडिटर। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि जो कंपनीज की ऑडिट होती है उसमें कौन से प्रोविजंस अपने को ध्यान रखने होते हैं और क्या-क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने को बताए गए हैं, या फिर जो कंपनी का ऑडिटर होता है उसके लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या-क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो अपन एक बार कंपनी ऑडिट समझने से पहले समझते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013, उससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956। तो एक एक्ट पूरी तरह से चेंज हुआ 2013 में, जो 1956 से चला आ रहा था 2013 तक। उसके बाद उसमें चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी कि जो आज के टाइम पे जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स थी वो उनके साथ कॉपअप बहुत जगह नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए ये लगा पार्लियामेंट में भी ये एक्ट पास हुआ, तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा लगी कि कुछ प्रोविजंस को अमेंडमेंट करना होगा। पहले भी ये 1956 के बाद ऐसा नहीं था कि 2013 में बदला है, उसके बाद टाइम टाइम पे ये अमेंडमेंट होता रहा, लेकिन अब जाके जब रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा हो गई अमेंडमेंट्स की, तो इसलिए हर चीज को अमेंडमेंट करने की बजाय ये लगा कि एक नया एक्ट पास कर देना चाहिए जो कि आगे जाके ठीक रहेगा, और उसमें जो चेंजेस होते रहेंगे वो टाइम टू टाइम चलते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है कि कभी भी अमेंडमेंट्स खत्म नहीं होंगे, रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है और अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। लेकिन 1956 के बाद जो ड्रास्टिकली चेंज हुआ वो 2013 में हुआ, जब ये एक्ट पूरी तरह से बदल दिया गया। कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो गया। तो जब कंपनीज एक्ट 2013 बना 1956 के बाद, तो जो ऑडिट के या ऑडिटर के प्रोविजंस थे वो भी काफी कुछ चेंजेस हुए। के बाद जब 2013 एप्लीकेबल हुआ तो उसमें ऑडिटर के जो प्रोविजंस हैं या ऑडिटर के जो एंगेजमेंट के जो लेटर हैं प्रोविजंस हैं वो सब चेंज हुए, तो अपन उन्हीं को समझते हैं आज। सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो करते हैं कि ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए क्या अपने को टर्म्स एंड कंडीशंस एक एक्ट में बताई गई है, कंपनीज एक्ट। अब अपन 1956 की इसमें कुछ भी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो चेंज हट चुका है, वो सिर्फ एक बताने के लिए जरूरी था। बहुत बार बच्चे भी देखते हैं कि 1956 कंपनीज एक्ट मिलता है बहुत सी बुक्स में, अगर बुक्स चेंज नहीं कर पाते हैं तो कई बार, तो अपने को ये चीज समझनी है कि 1956 जो कंपनीज एक्ट था वो चेंज हो चुका है और अब जो एप्लीकेबल है वो कंपनीज एक्ट 2013 है। तो अपन जो भी प्रोविजंस डिस्कस कर रहे हैं अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, वो अपन 2013 के एक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से अपने एप्लीकेबल हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। किसी भी कंपनी में अगर अपॉइंटमेंट अपन एक ऑडिटर का करते हैं तो उसकी क्या कंडीशंस रहेगी, इसके लिए जो सेक्शन एप्लीकेबल है वो है 139। सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। इसका जो एप्लीकेबिलिटी है वो बात करते हैं पहले। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 जो है वो एप्लीकेबल है हर कंपनी के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए। सेक्शन 139(1) जो अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर है वो सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल रहेगा एक्सेप्ट जो बताई गई है अपने को इनके अलावा, मतलब एक्सेप्ट का मतलब हो गया कि इन कंपनीज में ये अपॉइंटमेंट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, बाकी जो भी कंपनी है कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है उस पे यही प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कंपनीज हैं उन पे सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल नहीं होता है, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविजंस होंगे वही एप्लीकेबल होंगे, कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस वहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी कंपनी का अगर होल्डिंग किसी एक या एक से अधिक स्टेट गवर्नमेंट की है
तो वो चीजें इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी, कंपनीज एक्ट 2013 उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा।